की पत्नी के इन दो अंगों को छूने से कभी दरिद्रता नहीं आती। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की जीत में। मित्रों, हमारे समाज में औरत को देवी का स्वरूप माना गया है और देवी का हर एक अंग पवित्र और पूजनीय होता है। इसीलिए मैं आज आपको औरत के एक ऐसे अंग के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सम्मान पूर्वक छूने से न केवल अपार धन की प्राप्ति होती है बल्कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास भी होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति औरत के इस अंग का सम्मान पूर्वक आदर करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर सदा बनी रहती है और उसके घर परिवार में सुख समृद्धि का निवास होता है। इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर भ्रम और हानि का कारण बन सकती है। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसे समझना आपके जीवन के लिए भी लाभकारी हो सकता है। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न का समाधान पूछने आया हूँ, कृपया उसका उत्तर दीजिए। मित्रों, तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि बताइए आपका कौन सा प्रश्न है। फिर देवर्षि नारद बोले, प्रभु मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्त्री के कौन से अंग को छूने से मनुष्य के घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी वहाँ सदा निवास करती हैं। मित्रों, फिर भगवान शिव ने नारद जी की बात सुनकर कहा, देवर्षि आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसके माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन यह कथा पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तब देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा, कृपया कथा सुनाना प्रारंभ करें। मित्रों, फिर भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, एक गांव में एक गौतम नामक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उसे ताना मारा करती कि वह उससे कहती, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। गौतम के घर में गरीबी छा गई थी, ना तो पैसे थे और ना ही खाने के लिए कोई चीज थी। एक तरफ घर में खाने को नहीं था और दूसरी तरफ पत्नी के ताने थे, जिससे गौतम बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। मित्रों, फिर एक दिन गौतम घर से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। वो चलते चलते उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। फिर गौतम उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपनी तपस्या खत्म की तो गौतम जोर जोर से रोने लगा। साधु ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है। गौतम ने कहा, महात्मन मेरी पत्नी हमेशा मुझसे लड़ती है, ताने मारती है, मैं गरीब हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। मैं कितना भी प्रयास करूँ धन कमाने में सफल नहीं हो पाता। मेरा छोटा सा व्यापार था लेकिन पत्नी के ताने और कलेश के कारण वह भी बर्बाद हो गया। अब तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैंने कई बार अपनी पत्नी से कहा कि वह मुझे ताने न मारे, लेकिन वह नहीं मानती। इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। फिर मित्रों, साधु ने गौतम से कहा, बेटा रो मत, मैं तुम्हें एक उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हें अपनी पत्नी के कुछ अंगों को दबाना है जिससे तुम्हारे घर के धन की कमी होगी
और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मित्र साधु ने बताया, जो पुरुष अपनी पत्नी के दो मुंहों को दबाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और ना ही घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। मित्रों से साधु कहते हैं, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इससे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इस पर गौर करना। फिर साधु महात्मा की बात सुनकर गौतम उनसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे उन अंगों के बारे में बता दीजिए। तभी वह साधु गौतम को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान था जिसके बहुत से खेत थे। वह दिन रात मेहनत करता और उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, वे आपस में बहुत प्रेम करते, जिसके कारण उनके घर में लक्ष्मी का वास था। किसान के खेतों में इतनी पैदावार होती थी कि वह दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, जिससे लोग उसके जीवन शैली को देखकर जलते थे। मित्रों, यह बात धीरे धीरे नगर के राजा तक पहुंची, जिससे राजा भी किसान और उसकी पत्नी के प्रेम की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहती हैं, जिनमें इतना प्रेम है कि मैंने कभी ऐसा प्रेम नहीं देखा। फिर एक दिन राजा ने घोषणा की कि नगर के सभी लोग अपने घरों में घी का दीपक जलाएंगे। फिर रानी ने राजा से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब राजा ने कहा, दीपक प्रेम की निशानी होता है, जहाँ दीपक जलता है वहाँ प्रेम बना रहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे नगर के सभी पति पत्नी के बीच वही प्रेम हो जो इस किसान और उसकी पत्नी के बीच है। फिर राजा के आदेश के बाद नगरवासी अपने अपने घरों में दीपक जलाने लगे, लेकिन आधी रात होते ही सभी के दीपक बुझ गए, सिवाय किसान के घर के दीपक के। किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक हमेशा जलता रहा। दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन वह किसान की बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता वह वही काम करती, लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत ना थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार और इच्छुक था। किसान हमेशा सोचता कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह लड़ाई झगड़े होंगे। किसान इसी वजह से अनदेखा करता था उसके घर में प्रेम बना रहे। मित्रों, फिर राजा अपने महल को छोड़कर नगर का दृश्य देखने के लिए निकले। तब उन्होंने देखा कि पूरे नगर में किसी भी घर में दीपक नहीं जल रहा, लेकिन एकमात्र किसान के घर में दीपक जल रहा था। फिर राजा अपनी रानी से कहता है, देखो रानी, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जल रहा है, जबकि पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि किसान और उसकी पत्नी के बीच कितना प्रेम है। फिर रानी राजा से कहती है, जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के बीच है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और यही कारण है कि उनके घर में इतना प्रेम है। तब राजा जवाब देता है, नहीं रानी, तुम्हारा विचार गलत है। किसान और उसकी पत्नी के बीच में जो प्रेम है वह किसान की वजह से है। मित्रों, पर रानी कहती है, नहीं, किसान की पत्नी बहुत समझदार है, इसीलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई न होती है। राजा फिर कहता है, किसान समझदार है, और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार है। मित्रों, इस तरह राजा और रानी के बीच बहस बढ़ जाती है। अंत में राजा कहता है, हमें झगड़े की बजाय किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए, इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। दोनों इस पर सहमत हो जाते हैं और परीक्षा लेने का निर्णय करते हैं। फिर राजा अपने महल लौटता है और एक सैनिक को बुलाता है और उसे कहता है, तुम किसान के पास जाओ और जो सवाल मैं तुमसे कहता हूँ वही सवाल किसान से पूछो। फिर सैनिक कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। फिर
सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के घर पहुंचता है, जहां उस समय किसान की पत्नी खेतों में थी और किसान स्वयं घर पर था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक ना थी। सैनिक किसान के पास जाता है और कहता है, मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। तब किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ। फिर किसान कहता है, ठीक है मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है। फिर सैनिक कहता है, राजा साहब कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो तो वह तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात देंगे, तुम्हारी जमीन का दोगुना हिस्सा भी देंगे और साथ ही राजमहल का आधा हिस्सा भी तुम्हें मिलेगा। मित्रों, तब किसान इस पर जवाब देता है, राजा साहब मुझे उनका पूरा राजमहल क्यों नहीं दे देते, लेकिन अपनी पत्नी को मैं नहीं छोड़ सकता। तुम जाओ और राजा साहब से कह दो कि किसान ने ऐसा कहा है। मित्रों, फिर सैनिक यह आदेश लेकर राजा के पास लौट आता है। उसी समय रानी वहां मौजूद थी और सैनिक की बात सुन रही थी। रानी राजा से कहती है, आपने किसान का इम्तिहान ले लिया, लेकिन मैं किसान की पत्नी का इम्तिहान नहीं लिया है। मैंने हमें यह जानने की जरूरत है कि कौन समझदार है। रानी फिर कहती है, अब मैं किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ, जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी हम यह जान पाएंगे कि कौन ज्यादा समझदार है। रानी अपनी एक दासी को बुलाती है और कहती है, मेरी बात किसान की पत्नी को बताना, लेकिन ध्यान रखना यह बात तब तक बताना जब किसान घर पर ना हो। फिर दासी किसान के घर जाती है और आवाज देती है और किसान की पत्नी बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ, क्यों शोर मचाया है। तब दासी कहती है, मैं राजमहल से आई हूँ और रानी ने मुझे भेजा है। फिर किसान की पत्नी कहती है, बताओ क्यों आई हो। फिर दासी कहती हैं, रानी ने कहा है कि यदि तुम अपने पति को मार देती हो तो रानी तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात देगी, साथ ही राजमहल का आधा हिस्सा भी तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी जितनी भी जमीन है वह तो तुम्हारी रहेगी ही, लेकिन तुम्हें और जमीन भी मिल जाएगी। मित्रों, यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है अगर रानी साहिबा मुझे यह सब देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब दासी पूछती है, रानी को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। फिर किसान की पत्नी जवाब देती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो मैं उसे बुझा दूंगी, तभी रानी को पता चलेगा कि मैंने किसान को मार दिया है। मित्रों, अब दासी किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल में जाती है और रानी की सारी बातें बताती हैं। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी हैरान हो जाती है और राजा तथा रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए, तुम लोग ऐसा करो उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो ताकि उसकी जान बच सके, वरना किसान की पत्नी उसे मार देंगी। मित्रों, इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दीपक बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। मित्रों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा है। फिर सैनिक किसान की पत्नी से पूछते हैं, तुम तो किसान को रात में मारने वाली थी, लेकिन तुमने अभी किसान को क्यों मार दिया। तब किसान की पत्नी बोलती है, किसान को तो मुझे पहले ही मारना था, रात में तो मुझे सिर्फ दीपक ही बुझाना था, इसीलिए किसान को मैंने दिन में ही मार दिया। फिर सभी सैनिक
तुरंत किसान के घर से दौड़ते हुए राजा की और रानी की ओर जाते हैं और सारी बात बताते हैं, जिससे राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। फिर राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देती हैं। फिर सैनिक जाते हैं और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। अब राजा किसान की पत्नी से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार था। फिर किसान की पत्नी जवाब देती है, मुझे तो किसान को पहले ही मारना था। वह बहुत बुरा था, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। तब राजा पूछता है, वह क्या करता था? फिर किसान की पत्नी कहती है, वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा हमेशा अपनी उंगली से दबाता था। इसके अलावा वह मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से चूमता था। मित्रों, राजा फिर पूछते हैं, यह बताओ, जब तुम लोग गरीब थे तो क्या किसान ऐसा करता था? तब किसान की पत्नी जवाब देती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं होता था। फिर राजा कहते हैं, समझ गया। उस समय एक साधु गौतम से पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत के कौन से अंग को दबाने और चूमने से अचानक लोगों को धन की प्राप्ति होती है? तब गौतम कहते हैं, नहीं महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। साधु फिर कहते हैं, अगर अब भी समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था, वह था उसकी नाक का ऊपरी हिस्से को अपने उंगली से दबाना। तो अगर किसी के घर में पैसों की कमी है तो उसे अपनी उंगली से औरत की नाक के ऊपरी हिस्से को दबाना चाहिए। औरत का नाक का ऊपरी हिस्सा शुभ माना जाता है और यही कारण है कि जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान बनता है। मित्रों, फिर साधु गौतम से कहती हैं, जब भी कोई पुरुष औरत के कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ से छूता है और चूमता है, उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं और उसे अचानक धन प्राप्ति होती है। इसका कारण यह है कि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब कोई ऐसा काम करता है तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उसे अपार धन देती हैं। औरतें लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इसीलिए जो भी पुरुष यह पवित्र कार्य करता है उसका धन घर धन से और संपत्ति से भर जाता है। इसी कारण किसान अपनी पत्नी के साथ यही काम करता था। लेकिन यह जरूरी है कि पुरुष अपनी पत्नी को पूरी बात बता दे, अन्यथा उसके जीवन में अनर्थ हो सकता है। मित्रों, फिर साधु गौतम से पूछते हैं, बेटा अब तुम्हें समझ में आया? फिर गौतम जवाब देता है, हाँ महाराज, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मित्रों, फिर भगवान के देवर श्री नारद जी से पूछते हैं, हे नारद जी, क्या आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया? तब देवर श्री नारद उत्तर देते हैं, हाँ प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मानव कल्याण का एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो मित्रों, इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। और अगर आपको यह कथा पसंद आई होगी तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान की जीत से, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और नमस्कार।